जरा ध्यान से देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार आवाजें उठ रही। आज अवेदिन ओवैसी साहब ने भी इस बात को रखा और वित्त मंत्री जी से पूछने का काम भी किया। क्या सशस्त्र बलों पर नई पेंशन योजना अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया था क्या? इस पर आप ब्यौरा दीजिए, क्यों इस प्रकार से किया गया? संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 में उल्लेख किया गया है, भारत संघ के सशस्त्र बलों में नौसेना, सेना और वायुसेना के संघ के अन्य सशस्त्र बल शामिल हैं। अन्य सशस्त्र बल कौन थे? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग, जो जिसको अर्धसैनिक बल 2011 तक कहा गया है, उसके बाद CAPF कर दिया गया। कौन थे CAPF? मतलब CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, ये तमाम लोग सशस्त्र बल में आते हैं। और इस पर तर्क संगत ब्यौरा मांगा गया कि आप ये बताइए कि इनको NPS में किस प्रकार से लाया गया। कोई जवाब नहीं था। उस बात को पूरे राष्ट्र के बीच में हम भी रखने का काम कर रहे हैं और आप देखिए, और पूरी दुनिया रख रही है, सभी लोग तर्क संगत बातें रख रहे हैं। और वित्त राज्य मंत्री जी ने, डॉक्टर भागवत करार साहब ने यही बात रखी जो 22/12/2003 में राजपत्र अधिसूचना का वो रखा गया कि हाँ भाई, NPS ओल्ड पेंशन स्कीम समाप्त करके केंद्र के जितने भी कर्मचारी हैं जो नए पेंशन दायी योजना है उसमें जो है उनको दिया जाएगा। 1/1/2004 से केंद्र सेवा में नियुक्त जितने भी कर्मचारी हैं उन पे लागू किया जाएगा। और माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट, 1 दिसंबर की जो सुनवाई हुई थी और 11 तारीख को जो जजमेंट आया था अर्धसैनिक बल के मामले में पुरानी पेंशन योजना देने के निर्देश दिए गए थे, उन्हें वित्त राज्य मंत्री साहब को पता नहीं है। ये मामला गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय से अगर पूछा जाए तो ये मामला कहेगी क्या, ये मामला तो वित्त मंत्रालय का है, क्योंकि ये पेंशन की बात है।